मम्मा इतनी देर से क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, घर के लिए कुछ जरूरी सामान ऑर्डर कर रही हूँ। मम्मा हाँ बेटा। आजकल बीट्स कितनी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, मेरे लिए ऑर्डर कर दो ना। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ। ये थैंक यू मम्मा। चलो हो गया तुम्हारा ऑर्डर, है 5-6 दिन बाद तुम्हें तुम्हारा पार्सल मिल जाएगा। अच्छा ये सानी, मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ। ओके मम्मा। ये आ गया मेरा पसल आ गया। मम्मा बगल वाली आंटी आई है। आ गया मेरा पसल आ गया। इस बार तो पक्का मेरी बीट आई होंगी। ये मेरा पसल गया। Hey Sanvi Hall, it's me Sanvi and it's me Mama and welcome back to our channel. So जैसा कि आपने देखा कि सीड बीड्स अभी इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं, so मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑर्डर करूं। एंड जैसा कि मैंने मम्मा से पूछा है, मम्मा मान गई है एंड फाइनली मुझे मेरा पार्सल रिसीव हो गया है। so मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे आपके साथ अनबॉक्स करके दिखाऊं। लेकिन वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करना है चैनल यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो देख के तो ऊपर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसा नहीं करो। सब्सक्राइब करने के तो पैसे भी नहीं लगते, इसलिए अब मेरी बात मान लो और सानवी की भी बात मान लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। So without wasting much time, let's get started. So guys, अगर आपको याद होगा कि मैंने एक मिनी ब्लॉग डाला था जिसमें मैं बीड्स ऑर्गेनाइजर खरीदने गई थी। So उसके जो हमें बॉक्स मिला था, तो बहुत सारे लोगों ने क्या कमेंट किया था? बहुत सारे लोगों ने कहा ये कैसा ऑर्गेनाइजर है, ये ऑर्गेनाइजर तो है नहीं, ये तो मसालेदानी है, ये तो मसाले रखने का डब्बा है। गाइस मुझे बस इतना कहना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजर हो, अगर वो हमारा पर्पस सॉल्व करता है तो क्या फर्क पड़ता है कि वो मसालेदानी या कोई भी दानी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसलिए हमने ये बीट बॉक्स ऑर्डर किया। सो चलो अब इसे जल्दी से खोलते हैं और इसको रिव्यू करते हैं और फिर मैं कंपेयर करके भी बताऊंगी कि हमारी मसालेदानी ज्यादा अच्छी थी या ये। ओके सो ये है मेरा सेट। एंड अब आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा मैसी सा लग रहा है। दिस इज बिकॉज कि हमारे साथ एक बहुत बुरी ट्रेजेडी हुई है। हमने इसे पूरा अनबॉक्स कर लिया था, लिटरली लगभग सारी बीड्स डाल चुकी थी एंड ASMR भी कर दिया था, बट मेरी सिस्टर से वो सारी क्लिप्स डिलीट हो गई एंड नाउ वी हैव टू डू अ फेक अनबॉक्सिंग अगेन एंड दैट्स रियली सैड। बट चलो कोई नहीं, जल्दी से इसे ओपन कर देते हैं। सो ये कुछ इस पैकेट में आया है, तो चलो जल्दी से अपने बीड बॉक्स में निकालते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। इसके साथ मुझे ये थ्रेड मिला है ज्वेलरी वाला, बट ये भी मुझसे थोड़ा सा टैंगल्ड हो गया है, बट इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं बिकॉज अब मैं इसे पुल करूंगी तो ये एकदम ठीक हो जाएगा। इसकी हमें अभी जरूरत भी नहीं है, हमें तो अपनी बीड्स देखनी है। सोचा वो जल्दी से देखते हैं। हाँ, अब है ASMR टाइम। ओह माय गॉड, लुक एट देम, दिस इज सो प्रिटी। कितने ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स हैं एंड वैसे ये ट्रांसपेरेंट वाली हैं एंड इसकी साइज 2 मिलीमीटर है। एंड ये जो ब्लैक कलर वाली हैं ये ओपेक भी आई हैं एंड ये ट्रांसपेरेंट वाली भी आई हैं। सो चलो अब ये 3 कलर्स हैं जो मैंने अभी तक नहीं ओपन किया। सो हम अब इसी का ASMR कर लेते हैं जल्दी से। सो गाइज ये बीड कंपार्टमेंट, ये सारे डी अटैचेबल हैं। लाइक अगर हमारे पास थोड़ी ज़्यादा बीड्स हैं तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं एंड पूरी इसमें डाल सकते हैं।
सो ये है मेरा बीड बॉक्स, इसमें मुझे टोटल 15 कलर्स ऑफ बीड्स मिले, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हैं, ये ट्रांसपेरेंट है, सो मुझे बहुत सुंदर लग रही है। एंड मैंने ऑलरेडी इससे ये वाली रिंग बना दी है विच आई रियली लव। इसकी साइज 2 मिलीमीटर है एंड आपको ये डिफरेंट साइजेस में मिल जाएंगी, बट मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो अब मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ कि मतलब इस बॉक्स की प्राइस थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक इसकी लेंथ मेरे शायद हैंड जितनी है, पाम जितनी है, बट इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इट्स लाइक रियली नाइस, इससे आपको खेलने में बहुत ज़्यादा मजा आएगी, सो आई थिंक इट्स रियली वर्थ इट। सो अब फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका आप वीडियो के स्टार्टिंग से वेट कर रहे थे। अब हम कंपेयर करने वाले हैं अपने इस बीट बॉक्स को वर्सेस मसालेदानी, तो चलो देखते हैं कौन ज्यादा बेटर है। यार पहले तो ये देखो ना, इतने कलरफुल इसके लिड है ना, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। नहीं देखते में मम्मा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कितना छोटा सा हैंडी सा क्यूट सा है, ये कॉम्पैक्ट है और ये थोड़ा बल्की है। हाँ बट अगेन वही, इसमें बीट्स की मिक्सिंग नहीं होती, इसको हैंडल करना कितना आसान है, आराम से कैसे भी हिलाओ। ये देखो सानवी तुम ये नहीं कर सकती। हाँ ये हमने इसे पलट दिया, इसमें एक एक का अलग अलग लेड है, तो ये मिक्स होने की चांसेस ही नहीं, चाहे आपकी बीट्स कितनी भी छोटी हो, लेकिन इसको मैंने पलट दिया ना तो तौबा तौबा क्या हो जाएगा हमारे साथ। ओके एंड नेक्स्ट चीज इसकी ये है कि इसके जो कंपार्टमेंट्स मैंने आपको दिखाया था कि डी अटैचेबल है, सो उस समय सही होगा जब आपके पास ज्यादा बीट्स है तो आप निकाल के उसे भर सकते हो पूरा दो कंपार्टमेंट्स, लेकिन प्रॉब्लम वही आ गई है कि कभी कभी हमारे कंपार्टमेंट थोड़े ढीले हो जाते हैं, लाइक हमने अच्छे से बंद नहीं किया है एंड वो बीड्स एक साथ मिक्स होने लगती हैं और कंपार्टमेंट के बीच में बीड्स फंस जाती हैं, तो वो अच्छे से बंद नहीं होता है, तो सारी बीड्स मिक्स हो जाती है, तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी साइज देखो, ये एक एक चैम्बर की साइज इतनी ज्यादा है कि इसमें बहुत सारी बीट जा सकती हैं। और प्राइस वाइज भी ये आपको 70 रुपीज 80 रुपीज का मिल जाएगा एज कम्पेयर टू दिस विच कॉस्ट अंडर 500 अलॉन्ग विद बीट्स। तो अलग से डब्बे की प्राइस तो मुझे नहीं पता है। अलग से आप डब्बा खरीदोगे तो आपको अमेज़न में अंडर 200 रुपीज मिल जाएगा, बट दैट्स लाइक प्रीटी एक्सपेंसिव अगर हम इससे इसको कंपेयर करें। So that is it for today's video. अगर आपको वीडियो अच्छी होगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। So मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टूडल्स।